हेलो दोस्तों, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये गलती करोगे तो लड़की भाव देने लगेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। उनकी गलतियों की वजह से लोग उनसे दूर होने लगते हैं, उनसे बात करना, उनसे मिलना पसंद नहीं करते हैं। पर आज की इस वीडियो में आपको ऐसी गलतियाँ बताने वाली हूँ जो आप करते हो ना तो लड़की आपको भाव देने लगती है, आप में इंटरेस्ट दिखाने लगती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहली गलती है लड़की का हाथ पकड़ना। दोस्तों देखो, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि बिना लड़की की मर्ज़ी के उसका हाथ पकड़ना, उसको छूना एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। पर अगर आप किसी लड़की के साथ चल रहे हो, उससे बात करते हो, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो या मार्केट हो, कहीं भी हो, अगर आप उसके साथ में हो तो बिना उसकी मर्ज़ी से अगर आप उनका हाथ पकड़ते हो, उनका हाथ पकड़ कर चलते हो, तो ये चीज़ें लड़कियों को पसंद होती है। मोस्टली लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे एक तरह से आपकी केयर या आपका प्यार उन्हें दिखाई देता है कि आप उन्हें अपना समझ से उन्हें प्यार करते हो, इस वजह से आपने उनका हाथ पकड़ा है, जिसकी वजह से लड़की आपको भाव देने लगती है, आप में इंटरेस्ट दिखाने लगती है। तो आगे से अगर आप किसी लड़की के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी अच्छी बातचीत होती रहती है, अगर आप उसके साथ हो तो बिना उसके पूछे उनका हाथ पकड़ लो, इससे क्या होता है, उन्हें अच्छा लगेगा। अगली जो गलती है वो है झूठ बोलना। दोस्तों, झूठ बोलना रिश्तों में बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। इसकी वजह से दूसरों के सामने आपकी बेइज्जती होती है, आपकी इंसल्ट हो जाती है। पर अगर झूठ सही तरीके से बोला गया हो या किसी की भलाई के लिए बोला गया हो, तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। ऐसे में अगर आप चाहते हो कि लड़की आपको भाव दे, तो वहाँ पे झूठ बोल सकते हो। लाइक झूठ भी ऐसा जिसे उसे अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल, कि अगर आप लड़की को सरप्राइज़ देना चाहते हो, ठीक है, सरप्राइज़ देने के लिए आप उन्हें झूठ बोल रहे हो, तो उस झूठ से वो लड़की आपको भाव देने लगेगी, उसे अच्छा लगेगा, वो आपके और भी ज़्यादा करीब आ जाएगी। तो यहाँ पे झूठ बोलना भी एक गलती है, पर सही तरीके से या सही काम के लिए बोली जाए तो वो गलती भी मोस्टली लड़कियों को पसंद होती है। अगली जो गलती है वह है लड़की को देखकर उन्हें कमेंट पास करना। दोस्तों देखो, जो लड़के कमेंट पास करते हैं, लड़कियों को देख के उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, ये तो एक बहुत बड़ी गलती होती है। लेकिन कमेंट ऐसे करो जो सुनने में अच्छे लगे। लाइक उनकी तारीफ़ को लेकर अगर आप कमेंट करते हो, तो मोस्टली लड़कियाँ इस गलती को पसंद करती हैं, ठीक है। मोस्टली लड़कियों को अच्छा लगता है जब कोई लड़का उनकी तारीफ़ में कोई कमेंट करता है, ठीक है, तरह से उन्हें कॉम्प्लीमेंट देता है। तो ये गलती करने से भी लड़की आप में इंटरेस्ट दिखाने लगती है, आपको भाव देने लगती है, वो जानबूझकर आपके सामने आती हैं, ठीक है, या आपसे कमेंट सुनने के लिए, आपके मुँह से उन कमेंट के ज़रिए अपनी तारीफ सुनने के लिए आपके सामने आती है, जिससे आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दो, उनकी तारीफ करो, ठीक है। तो मोस्टली लड़कियों को ये गलती भी बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा जो अगली गलती है वह है लड़की को देखकर घूरना, उन्हें अटेंशन देना। तो ये चीज़ भी, ये गलती भी लड़कियों को अच्छी लगती है। मोस्टली लड़कियां चाहती हैं कि लड़का उन्हें देखे, लाइक उन्हें अटेंशन दे, क्योंकि आपको पता ही है कि जब कोई लड़की घर से बाहर निकलती है तो कितना ज़्यादा सज धज के निकलती है, तैयार होकर निकलती है वो। क्यों? क्योंकि इसलिए ताकि लड़के उन्हें देखें, एक तरह से उन्हें देखकर उनकी सुंदरता की तारीफ़ करें, या उनके बारे में ये सोचें कि लड़की कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी लग रही है। और वहीं पे अगर आप उन्हें देखते हो, उन्हें घूरते हो, तो मोस्टली लड़कियों को अच्छा लगता है। पर यहाँ पे देखने या घूरने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको गंदी नज़र से देखो। घूरने का मतलब ये है उनसे आई कॉन्टैक्ट करो, उनसे नज़रें मिलाओ, ये चीज़ लड़कियों को अच्छी लगती है। तो मोस्टली लड़कियों को ये गलती भी बहुत पसंद होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।